हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आंगन पब्लिक स्कूल। टुडे वी आर स्टार्ट अवर सोशल स्टडी, चैप्टर नंबर 3, क्लोथ्स। CLOTHES, क्लोथ्स। लर्निंग पॉइंट्स है उसमें नीड फॉर क्लोथ्स, क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन्स, वैरायटी इन क्लोथ्स। तो देखते हैं क्लोथ्स के ऊपर आज चैप्टर है हमारा। क्लोथ्स कवर, COVER, कवर अवर बॉडी। क्लोथ्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी को कवर करते हैं। क्लोथ्स ऑल्सो प्रोटेक्ट, PROTECT, प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, HEAT, हीट, COLD, कोल्ड एंड RAIN, रेन। क्लोथ्स ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। तो क्लोथ्स जो होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं हीट से, कोल्ड से एंड रेन से। वी वियर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द सीजन, हम लोग जो सीजन होती है उसके अकॉर्डिंग क्लोथ्स पहनते हैं। इन समर, SUMMER, समर। इन समर एज इट इज हॉट, समर कैसा होता है आप सबको पता है, समर में बहुत गर्मी होती है वो हॉट होता है। वी वियर लाइट कॉटन क्लोथ्स, तो हम लोग कैसे कपड़े पहनते हैं जो लाइट कॉटन के हो एकदम, वो वैसे कपड़े हम समर में पहनते हैं। कॉटन क्लोथ्स कीप अस कूल, कॉटन क्लोथ्स से हमें कैसा फील होता है, कूल फील होता है। इन विंटर एज इट इज कोल्ड, विंटर कैसा होता है, कोल्ड होता है, विंटर में बहुत ठंडी होती है, विंटर में बहुत ठंडी होती है। वी वियर वुलन क्लोथ्स, तो हम लोग वुलन क्लोथ्स पहनते हैं ठंडी से बचने के लिए, हम जो वुल के बने हुए कपड़े जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो हम पहनते हैं। वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म, वुलन के जो क्लोथ होते हैं वो हमें वार्म फील करवाते हैं, इसलिए हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं। इन वेरी कोल्ड कंट्रीज, COUNTRIES, कंट्रीज। इन वेरी कोल्ड कंट्रीज पीपल मेक क्लोथ्स यूजिंग फर एंड स्किन्स ऑफ एनिमल्स टू कीप themselves वार्म, जहाँ जो कंट्री में बहुत ही कोल्ड होता है, ज़्यादा कोल्ड होता है, वो पीपल क्या करते हैं, एनिमल का जो फर एंड स्किन होती है उससे वो लोग अपने क्लोथ बनाते हैं, उससे उन लोगों को क्या लगता है, ज़्यादा वार्म होता है। इन वेरी कोल्ड कंट्रीज पीपल मेक क्लोथ यूजिंग फर एंड स्किन ऑफ एनिमल्स टू कीप themselves वार्म। During the rainy season, we use raincoats, umbrellas and gumboots that protect us from rain. During rainy season, यानी जब बारिश का मौसम होता है तब हम लोग क्या, जब बारिश होती है तब हम क्या पहनते हैं, raincoats, 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 UMBRELLAS, umbrellas and gumboots, GUMBOOTS, gumboots that protect us from the rain. तो जब बारिश होती है तब हम लोग रेनकोट, अम्ब्रेला एंड gumboots पहनते हैं जो हमें रेन से प्रोटेक्ट करता है। तो यहाँ पे 3 सीजन की बात हुई, अलग अलग सीजन में हम अलग अलग क्लोथ्स पहनते हैं। तो फिर से एक बार मैं रीड कर रही हूँ। क्लोथ्स कवर अवर बॉडी, क्लोथ्स ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। वी वियर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द सीजन। इन समर एज इट इज हॉट, वी वियर लाइट कॉटन क्लोथ्स, कॉटन क्लोथ्स कीप अस कूल। इन विंटर एज इट इज कोल्ड, वी वियर वुलन क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स कीप अस वार्म। इन वेरी कोल्ड कंट्रीज पीपल मेक क्लोथ्स यूजिंग फर्स एंड स्किन्स ऑफ एनिमल्स टू कीप themselves वार्म। ड्यूरिंग द रेनी सीजन वी यूज रेनकोट्स,
अम्ब्रेलाज एंड ग्राउंड बोर्ड्स दैट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन. नेक्स्ट, क्लोथ इज मेड फ्रॉम डिफरेंट थिंग. जो क्लोथ होता है वो डिफरेंट डिफरेंट थिंग से बनता है. कॉटन ग्रो ऑन अ प्लांट, ऐसा कॉटन ग्रो होता है प्लांट के ऊपर. द क्लोथ इज मेड बाय स्पिनिंग एंड कॉटन बॉल्स एंड वेविंग द यार्न. जो कॉटन ग्रो होता है उसका जो उस बॉल होता है, कॉटन का जो बॉल होता है उसको स्पिनिंग करने में आता है और फिर उसको वेविंग करते हैं यार्न में. खादी इज अ टाइप ऑफ कॉटन क्लोथ्स. एक खादी का कपड़ा आता है वो भी एक कॉटन का ही टाइप है. हियर द यार्न इज वोवन ऑन द चरखा. इट इज देन वोवन ऑन द हैंडलूम. ऐसा चरखा होता है जहाँ पे ये यार्न होता है एंड फिर वोवन होता है हैंडलूम में. वी गेट वुल फ्रॉम शीप. हमें वुल कहाँ से मिलती है? शीप से. वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम दिस वुल. जो वुलन के क्लोथ्स होते हैं वो किससे बनते हैं? ये वुल से बनते हैं. रेनकोट्स आर मेड फ्रॉम रबर और प्लास्टिक. जो रेनकोट होते हैं वो किससे बनते हैं? रबर से और प्लास्टिक से. अम्ब्रेला आर मेड फ्रॉम सिंथेटिक क्लोथ्स. जो अम्ब्रेला होती है वो किससे बनती है? जो सिंथेटिक क्लोथ आता है उससे बनती है. वी गेट सिल्क थ्रेड फ्रॉम द सिल्क वॉर्म. हमें सिल्क थ्रेड कहाँ से मिलता है? सिल्क वॉर्म से. हमने साइंस में देखा था कि सिल्क वॉर्म हमें क्या देता है? सिल्क फाइबर देता है और वो सिल्क फाइबर में से हम फाइन सिल्क क्लोथ बनाते हैं. तो देखो आपको यहाँ पे बोला है वी गेट सिल्क थ्रेड फ्रॉम द सिल्क वॉर्म. सिल्क क्लोथ इज मेड फ्रॉम दिस थ्रेड. तो सिल्क वॉर्म हमें सिल्क देता है और उसमें से हम सिल्क का क्लोथ बनाते हैं. नेक्स्ट, वी ऑल्सो यूज नायलॉन एंड रेयन क्लॉथ विच इज मेड फ्रॉम केमिकल्स. हम लोग नायलॉन एंड रेयन का भी क्लॉथ यूज करते हैं तो वो किससे बनता है? तो वो केमिकल से बनता है. दिस क्लॉथ इज कॉल्ड सिंथेटिक क्लॉथ. तो ऐसे क्लॉथ को क्या बोलते हैं? सिंथेटिक क्लॉथ बोलते हैं. क्लॉथ इज मेड इन द टेक्सटाइल मिल्स ऑन मशीन्स कॉल्ड लूम्स. जो सिंथेटिक क्लोथ होता है सारे वो कहाँ पे बनते हैं? टेक्सटाइल मिल में बनते हैं. द क्लोथ वी वियर आर मेड ऑफ क्लोथ. हम जो कपड़े पहनते हैं वो किस में से बनते हैं? कापड़ में से बनते हैं. द टेलर स्टिचिज आवर क्लोथ्स फ्रॉम द क्लोथ. जो टेलर होता है वो हमारे कपड़े वो एक कापड़ में से सिलता है. द कट्स द क्लोथ इन डिफरेंट शेप्स टू मेक वेरियस गारमेंट्स. वो क्या करता है? डिफरेंट डिफरेंट शेप में वो कपड़े को कट करता है और हमारे अच्छे अच्छे और अलग अलग गारमेंट्स बनाता है. वुलन गारमेंट्स लाइक स्वेटर्स पुलोवर्स एंड सॉक्स आर नीटेड बाय हैंड और बाय मशीन. जो वुलन के गारमेंट्स होते हैं लाइक स्वेटर है पुलोवर्स है सॉक्स है वो हाथ से गूथे भी जाते हैं और मशीन से भी बनते हैं. वी शुड ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ्स. हमें ऑलवेज एकदम क्लीन क्लोथ ही पहनने चाहिए. नाउ आई नो नंबर वन वी नीड क्लोथ्स टू कवर अवर बॉडी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट कोल्ड एंड रेन. हमें हमारा बॉडी को कवर करने के लिए एंड प्रोटेक्ट करने के लिए हीट कोल्ड एंड रेन से प्रोटेक्ट और कवर करने के लिए हमें क्या पहनना चाहिए? क्लोथ्स कपड़े पहनने चाहिए. नंबर टू वी वियर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द सीजन. हमें सीजन के अकॉर्डिंग कपड़े पहनने चाहिए. नंबर थ्री क्लोथ इज मेड फ्रॉम डिफरेंट थिंग्स. जो क्लोथ होते हैं वो डिफरेंट थिंग्स से बनते हैं. नंबर फोर वी शुड ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ्स. हमें हमेशा एकदम साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए. तो ये हमारा जो SS की बुक है एज अ रीडिंग है तो फिर से एक बार रीड कर रही हूँ. क्लोथ इज मेड फ्रॉम डिफरेंट थिंग्स. कॉटन ग्रोज ऑन अ प्लांट. द क्लोथ इज मेड बाय स्पिनिंग द कॉटन बॉल्स एंड वेविंग द यार्न. खादी इज अ टाइप ऑफ कॉटन क्लोथ. हियर द यार्न इज स्पन ऑन अ चरखा.
इट इज दैन वोवन ऑन अ हैंडलूम. वी गेट वुल फ्रॉम शीप. वुलन क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम दिस वुल. रेनकोट्स आर मेड फ्रॉम रबर और प्लास्टिक. अम्ब्रेलाज आर मेड फ्रॉम सिंथेटिक क्लोथ. वी गेट सिल्क थ्रेड फ्रॉम द सिल्क वॉर्म. सिल्क क्लोथ इज मेड फ्रॉम दिस थ्रेड. वी ऑल्सो यूज नायलॉन एंड रेयॉन क्लोथ विच इज मेड फ्रॉम केमिकल्स. दिस क्लोथ इज कॉल्ड सिंथेटिक क्लोथ. क्लोथ इज मेड इन द टेक्सटाइल मिल्स ऑन मशीन्स कॉल्ड लूम्स. द क्लोथ्स वी वियर आर मेड ऑफ क्लोथ. द टेलर स्टिचेज अवर क्लोथ्स फ्रॉम द क्लोथ. ही कट्स द क्लोथ इन डिफरेंट शेप्स टू मेक वेरियस गारमेंट्स. वुलन गारमेंट्स लाइक स्वेटर पुलोवर्स एंड सॉक्स आर नीटेड बाय हैंड और बाय मशीन. वी शुड ऑलवेज वियर क्लीन क्लोथ्स. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर ओवर होता है और आज का चैप्टर भी ओवर होता है. नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे न्यू चैप्टर के साथ. तब तक बाय बाय.